ये इंदौर का ट्रैफिक और शाम की सड़क का जो आनंद है, जो नज़ारा है, साथ ही साथ आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर लोग और दुकानें दिखाई देगी। सबका अपना एक मनोरंजन है। पूरी सिक्योरिटी, हमारे पुलिस के जवान, उसके साथ क्लीन सिटी, इंडिया की सबसे क्लीन सिटी जिसका खिताब इसने जीता है कंटिन्यूसली 3 बार, 3 टाइम्स इसने अपना ये जो स्टेप्स है ये बरकरार रखा है और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी रखेगी। क्योंकि मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सुबह ही जो गाड़ी रहती है कचरे की, वो सुबह ही नहीं आती, शाम को, दिन में, रात में, हर समय मैंने इनको काम करते हुए देखा है। तो ये हमारे कई गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स, नए रेगुलेशन की वजह से ही है। क्योंकि यहाँ के जो नगर पालिका है वो ये नहीं देखती कि अभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है। उनका एक ही मकसद है कि हमारी सिटी, मतलब इंदौर, स्वच्छ रहना चाहिए। उसके बाद जो भी मैनेजमेंट है, वो ट्रैफिक का हो, वाहन कलेक्शन का हो, वाहन का हो, या फिर दुकान का हो, सब कुछ एकदम मैनेज्ड है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं भी एक मुसाफिर की तरह हूँ यहाँ पर मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये छोटी मुंबई है, क्योंकि अगर हम इसकी स्वच्छता, मैनेजमेंट और जितनी भी जो भी तारीफ करें वो सब कम है। क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, जो भी सर्व सुविधाएँ वो भी आपको मिल जाती हैं, जैसे कि रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बसेस, आई बस यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसके बाद सिटी बस, टेम्पो वालों के बिहेवियर उनका कुछ अलग ही है। तो मैं अधिकतर सफ़र करता हूँ और मैंने उनका जो बिहेवियर वो जाना है। तो मेरा क्या रहता है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि वो क्या चाहते हैं ये कैसे पता चलेगा। तो मैं, वो छोटा हो बड़ा हो, मैं सबसे बात करता हूँ और मैं उनकी भावना को जानना चाहता हूँ। आज भी मैं इस बस में सफ़र कर रहा हूँ और मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आप तक शेयर करूँ। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक लगने वाला है और कितनी वेल डिज़ाइन से इसको डिज़ाइन, मतलब मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपको ये बस स्टॉप दिख रहा होगा, तो हर बस स्टॉप की जगह आपको ये प्रॉपर एक शेड मिलता है जहाँ पर आप बस का वेट कर सकते हैं। और इसके अलावा चलो बस एक ऐप है, उसकी मदद से आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारी बस कहाँ तक आई है। जय हिंद, जय भारत।